हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल रचना क्राफ्ट एंड किचन पे। आज हम बनाएंगे मलाई कोफ्ता, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने दो बड़े आलू को बॉईल करके मैश कर लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ एक कटोरी क्रश किया हुआ पनीर, और इसे भी हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच नमक, और फ्रेंड्स फिर हम डालेंगे इसमें दो बड़ी चम्मच मैदा और कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने काजू और किशमिश लिया, आप और भी कोई ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और फिर हम लोग इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसी के जो हमें छोटे छोटे गोले बना लेने हैं तेल की हेल्प से। हाथों में तेल लगा के आप इसके छोटे छोटे गोले बना लीजिए, जैसे मैंने बनाया है। और फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर और आप कोई भी रिक्वेस्ट है आपका कि मैं ये कुछ बनाऊँ, तो आप उसे भी भेज दीजिए, तो मैं वो बनाऊँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने एक बाउल में एक चम्मच मैदा डाला है, और फिर मैं यहाँ पे पानी से इसका घोल बना लूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर मैंने लिया है ब्रेड क्रम। सिंपली आपको बस ब्रेड का जो साइड्स है या ब्रेड को आप उसमें मिक्सी में पीस लीजिए। और फिर यहाँ पे मैं तेल को जो है गर्म कर रही हूँ, और ये सारी चीज़ें हमें एक ही पास रखना है, एक ही साथ रखना है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है बहुत तुरंत करना रहता है। तो फर्स्टली हमें जो क्या करना है, बॉल्स को सिंपली जो डीप करना है दोनों ही चीज़ों में। पहले जो है हमें अपने मैदे वाले घोल में करना है, फिर जो है हमें ब्रेड क्रम में करना है, और फिर हम सीधा गैस में डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए हो गया है, तो हम लोग इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। तो ये देखिए, जब इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तब तक हमें इसे चलाना है, और जब आ जाए तब हम लोग इसे जो है निकाल लेंगे। दोस्तों आप भी इसे अपने घर में ज़रूर से ट्राई करें, और मुझे कमेंट करके बताएं आपका कैसा बना। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इसे निकाल लिया। दूसरी तरफ अब हम लोग इसकी ग्रेवी की तैयारी करें। उसके लिए यहाँ पे मैंने तेल दिया है एक कढ़ाई में, और फिर यहाँ पे मैंने दिया है थोड़ा सा जीरा, और फिर अदरक लहसुन और मिर्च, और यहाँ पे मैंने जो इसमें प्याज डालूंगी वो एकदम रफली कटा हुआ होना चाहिए दोस्तों। तो उससे पहले हम लोग इसमें डालेंगे लौंग, और जो है फिर मैं इसमें डालूंगी अपना प्याज रफली कटा हुआ, और फिर मैं इसमें डालूंगी टमाटर, उसे भी हमने रफली ही काटा है, और उसे भी हम लोग इसमें डाल लेंगे, और फिर हम लोग जो है इसे अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसका जो हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है, तब जो है मैंने इसमें ऐड किया है काजू। ये 10 से 12 काजू होंगे जिसमें मैंने इसे ऐड किया है, और फिर हम लोग इसे भी चला लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, जब काजू का भी जो गोल्डन ब्राउन सा थोड़ा कलर आ जाए, तब हमें इसे सिंपली क्या करना है, हमें इसे का गैस जो है ऑफ करना है, और इसे एक मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है हमें अच्छे तरीके से। तो और इसका जो है एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे हम लोग। तो चलिए इसका जल्दी से स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसका स्मूथ सा पेस्ट बन गया। तो दूसरी तरफ फिर यहाँ पे मैंने चढ़ाया कढ़ाई को, अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं इसकी ग्रेवी की तैयारी। तो फिर यहाँ पे मैंने इसमें डाला है 4 चम्मच घी, और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ तेज पत्ता, और फिर यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्च, और हम लोग जो है इसे अच्छे तरीके से तेल को गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब तेल गर्म हो गया तो ये फेंक रहा है, तो जब ये फेंकने लगे तब हम लोग इसमें देंगे हल्दी, ये 1 चम्मच हल्दी है, और है ये धनिया पाउडर 1 चम्मच, और फिर यहाँ पे मैंने लिया है राकेश का चिल्ली मसाला, तो ये इसे भी हम लोग डाल लेंगे। ये 1 चम्मच के लगभग मैंने अभी इसमें डाला था। तो फिर यहाँ पे जो हमने अपना स्मूथ सा पेस्ट बना के रेडी किया था उसे भी हम लोग इसे डाल लेंगे, और इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसका रंग कितना अच्छा आया है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक, और इसे भी हम लोग अपने अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार भी नमक दे सकते हैं, कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको कितना प्यारा सा और अच्छा सा कलर आ गया। और जब ये थिक जब पेस्ट बन जाए तो हम लोग इसमें जल्दी देंगे पानी। यहाँ पे मैंने आधा कटोरी पानी दिया था, आधा कटोरी के लगभग में यहाँ पे मैंने पानी दिया था, और फिर मैं इसे जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तब हम लोग इसमें डालेंगे टमाटो सॉस। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप इसे ज़रूर डालें। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते, अगर आपको मीठा ज़्यादा नहीं पसंद, तो आप नहीं डालें। तो ये देखिए दोस्तों, ये ऑरेंज रेड फूड कलर है, ये अक्सर इन सब सब्जियों में डाला जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो इसे डाल दे रही हूँ, अगर आपके पास नहीं तो कोई बात नहीं, ये नहीं दीजिए, इसका जो है ऑप्शनल है ये, लेकिन इससे कलर इसका बहुत प्यारा आता है। और
और फिर हम लोग इसमें डालेंगे बहुत सारा ढेर सारा मलाई, क्योंकि इसका तो नाम ही है मलाई कोफ्ता, तो हम इसमें ढेर सारा मलाई डालेंगे और फिर हम लोग इसे कर लेंगे मिक्स। तो जब हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे तब वहाँ पर जो हमने छोटे छोटे बॉल बना के रखे थे कोफ्ते के, वो भी हम लोग इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ी देर जला के जो हम लोग कर लेंगे गैस को ऑफ। तो फिर हम लोग इसे सिंपली जो है कर लेंगे सर्व। अगर आपके पास, आप वैसा नहीं करना चाहते तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि एक प्लेट में आप जितना भी कोफ्ता वो सारे निकाल दें और फिर ऊपर से ग्रेवी दे दें। यहाँ पे मैंने ये वाला प्रोसेस किया है, लेकिन आप वो वाला प्रोसेस भी कर सकते हैं जो कि मैंने बताया था, कोफ्ता भी जो हमने छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं वो भी आप सीधा उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही प्रोसेस किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया सिर्फ एक प्रोसेस है। और ये देखिए, यहाँ पे मैं सिंपली जो है ग्रेवी डाल दूंगी एक प्लेट में और अभी मैं इसे सर्व कर रही हूँ। और फिर हम लोग इसमें जो है ऊपर से मलाई डाल देंगे, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो आप भी सबको ऐसे ही सर्व करें। तो दोस्तों इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है और फिर मैंने इसे सर्व कर लिया है। फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा। फ्रेंड्स बाय।